ठीक है जी, अभी ये कर रहा है स्विमिंग और मुझे करना है जिम, और पानी देख के तो मेरा भी मन कर रहा है। चैनल दिस फॉर तांडे व्लॉग्स। तो जैसे कि अभी नाश्ता हो रहा है, काफी लेट उठे जो रोज रहता है, तो आज व्लॉग बनाने का जो मोटिव है वो सबसे पहले ऐसा है कि व्लॉग बनाना है मुझे कुछ भी करके। जो जैसे कि 30 डे चैलेंज था वो ड्रॉप हो गया, वो मैं कर नहीं पाया प्रॉपर से पूरा। 30 डे चैलेंज पूरा नहीं हो पाया हमारा प्रॉपर से। और उसके बाद जैसे कि बहुत लोग बोल रहे थे कि 30 डे चैलेंज का क्या हुआ क्या हुआ, कमेंट्स में ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, तो कोई नहीं। तो अब हम एक सब्सक्राइबर्स है, तो उन्होंने एक अच्छा आइडिया दिया कि 30 डे, मतलब 30 डे एक और चैलेंज करो, पर 30 डे व्लॉग्स का नहीं, 10 डे व्लॉग्स का। तो ट्राई करेंगे, होता है नहीं तो फिर हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये वाला जो चैलेंज है ये हो पाता है कि नहीं पूरा हमसे। वैसे तो मैंने उसमें किया था, आई थिंक 15 या 14 डे में कंटिन्यू था उस वाले ब्लॉग्स में, इतना मुझे पता है। तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, एक कॉफ़ी आ रही है, और ब्रेकफास्ट मेरा कितने बजे हो रहा है, 12:30 बजे हो रहा है। सोचो इतना लेट ब्रेकफास्ट, ज़्यादा लेट्स हो गया ना रात को इस वजह से। तो कुछ नहीं, आई फटाफट ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं मेरा। तो आज हमें जिम में भी जाना, क्योंकि जिम में भी काफ़ी दिनों से गया नहीं हूँ, काफ़ी दिनों से नहीं 2-3 दिनों से, मतलब ड्रॉप हो गया जिम, जा नहीं पाया उस वजह से। तो आज हम जिम भी जाएंगे, और सबसे पहले हम आज क्या वर्कआउट करने वाले हैं, प्रॉपर एक चेस्ट वर्कआउट करेंगे, उसके साथ ट्राइसेप्स एंड शोल्डर, ये मैं करता हूँ, सॉरी शोल्डर नहीं, ट्राइसेप्स, हाँ ट्राइसेप्स एंड शोल्डर, ये मैं ट्रेंड करता हूँ। तो ये करेंगे और फिर हम आ जाएंगे घर पे, देखेंगे फिर क्या है क्या नहीं। नाश्ता यही डेली ब्लॉग यही होने वाला है, और ज़्यादा कुछ होता नहीं इसके लिए। फिर मैं शूट कर पाता नहीं कर पाता वो भी मुझे पता नहीं, ये जो 10 दिन का जो चैलेंज है ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस वजह से। और हाँ, ये जो आवाज़ का जो प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट मैं कुछ दिनों में आई थिंक हो सके तो माइक खरीद लूँगा, क्योंकि थोड़ा मैनेज कर लो यार प्लीज़, थोड़ा मैनेज कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं माइक खरीदूँगा। और घर पे बोलता तो थोड़ा चिल्ला के बोल पाता हूँ, पर लेकिन नीचे जाता हूँ ना तो थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, और आजू बाजू कोई रहता है ना तो उतना बोल नहीं पता चिल्ला के, इस वजह से तो थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम होता है। पर हम ले लेंगे कुछ दिनों में ऑडियो, मतलब ऑडियो कुछ दिनों में हम ले लेंगे माइक, ऑडियो बोल रहा हूँ, वाह क्या बात है। और कर रहे ब्लॉग में भी एक मिस्टेक हो गया, कमेंट्स तो कर रहे आप, अरे यार वो ना मेरे को कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं समझ ही नहीं पाया किसको क्या बोलते हैं वो, इसकी वजह से। बिल्डिंग ने अगर आप समझ गए कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं इसमें इस वीडियो में, बिल्डिंग ने अगर आप समझ गए तो हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ नहीं। तो अभी फटाफट ब्रेकफास्ट ख़त्म करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ, शायद प्रतीक का कॉल भी करो, उसको भी कॉल करना है, जिम जाना नहीं जाना है वो भाई थोड़ा लेट जाता है, मेरे को थोड़ा जल्दी जाने का आज, तो देखते उसका और मेरा टाइमिंग मैच हो पाता है या नहीं, नहीं तो फिर हम कुछ करते। चलिए तो सबसे पहले अभी हमें जाना है जिम, और प्रतीक आ रहा है, वो फ्रेश हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले कहा था कि जिम जाके फटाफट वर्कआउट खत्म करा, तो 5:30 बजे तक हमें आना है, फटाफट नहीं पर लेकिन प्रॉपर वर्कआउट, और जैसे कि सेट्स के हिसाब से हम प्रॉपर करेंगे वर्कआउट, फास्ट नहीं करेंगे और प्रॉपर वेट के साथ करेंगे। तो अभी हो रहे हैं 3:30 और 5:30 बजे तक हमें वापस आना है, तो चलते हैं फटाफट जिम, और वो आ रहा है, वो बहुत टाइम लगाएगा फ्रेश होने में, तो इसके लिए। और आपको बताना कि आज का वीडियो जो है वो कैसे एडिट हो रहा है, कैसे मतलब किस तरह का आपको आज का व्लॉग लग रहा है, तो ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसे लगेगा और कैसे नहीं। तो चलते जिम। तो एक तो भाई, एक तो बहुत लेट आते हैं, और ऊपर से सिनेमैटिक शूट करने तो देता नहीं है कुछ भी। हाँ
मेरे को बोलता है 3:30 बजे तक, और 3:30 बजे तक खुद घर पे सोए रहता है। आज क्या मार रहा है तू? पक्का? अभी तो मेरे को तो बोल दिया कर, मैं कुछ लिया नहीं। चल चलेगा, मैं अभी जिम ही कर लेगा। लेके आ जाओ। नहीं अभी जान दे, अभी घर पे क्या जाओ, आज दोपहर में जाओ इसके लिए। अभी ये कर रहा है स्विमिंग और मुझे करना है जिम। और पानी देख के तो मेरा भी मन कर रहा है स्विमिंग करने का, पर लेकिन कुछ नहीं, आज हम जिम ही कर लेंगे। मैं कपड़ा भी नहीं लिया, मतलब स्विमिंग करने के लिए इसने ले लिया, और मेरे को बताया नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है कुछ। तो चलते फटाफट जिम करते और मिलते 5:30 बजे तक, जैसे कि आपको बोला था निकलना है। तो पानी देख के मुझे भी मन कर रहा है करने का स्विमिंग। तो डुबकी मारे? नहीं, चलते अभी जिम करते, फिर आते हैं। तगड़ा वाला वर्कआउट ख़त्म हो गया, तो अभी फटाफट चलते घर पे, और काफ़ी अच्छा कुछ डाइट लेना पड़ेगा अभी। और प्रतीक भाई ने तो वर्कआउट किया नहीं, उन्होंने सिर्फ स्विमिंग कर लिया, उसका सिर्फ कार्डियो हुआ। तो चलते घर पे और मिलते हैं आपको। चलिए, जैसे कि मैं जिम से आ गया तो फ्रेश हो गया और काफ़ी भूख लग रहा है। तो जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं खाना तो खाया ही नहीं, तो अभी जैसे कि लेट हो गया, पर लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी खिचड़ी है और पापड़ और अचार है, तो फटाफट ही खाएंगे, तो खाते हैं और मिलते हैं। और ऋत्विक जो है वो गया है ट्यूशन, तो अभी उसका 7:30 बजे या 6:30 बजे उसको लेने जाने का है बस, तब तक हम फ्री है। और मम्मी पापा भी गए हैं बाहर, तो फ्री है हम कुछ कर सकते हैं ऑलवेज, जैसे कि बाहर जाना हो। वैसे तो अभी शाम हो ही गई है ऑलवेज, तो जिम से आने के बाद काफ़ी मतलब अच्छा मिक्स वर्कआउट हुआ। और तो ये आज का हमारा खाना, पापड़ और खिचड़ी और अचार, बेसिक सा खाना है। तो फटाफट इसको अभी ख़त्म करते और फिर आपसे बात। अभी घर पे हूँ और ऋत्विक को लेके आ गया ट्यूशन से, मैगी खा रहा है। अरे भाई आया था इसका चश्मा लेने के लिए। हेलो भाई, ब्लॉग में दे रहा तेरे को तेरा चश्मा, बाद में बोलना नहीं कि मैंने दिया है नहीं। हम लोग किधर इधर गए थे ना, अपना सिद्धिविनायक गए थे, तो वहाँ पे इसने चश्मा खरीदा था। वहाँ पे जाके अकेले में क्या पता कहाँ से चश्मा खरीद के ले गया बस। कभी ऐसे आया था, मुझसे मिलने आया था ना भाई, चश्मा लेने आया था, ऐसे मिलने आया था। सच बता, चश्मे के लिए आया था। 2 दिन से आ रहा है घर पे चश्मे के लिए, मेरे लिए नहीं आ रहा, वो चश्मे के लिए आ रहा है कि उसको चश्मा चाहिए। तो भाई चश्मा कितना कीमती है मेरा, स्टैनी वाला है ना, बोल कितने का है चश्मा? ये मिला था स्टेशन पे 50 रुपए का। ओ सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा है। ओ आप दिखाई दे, आप दिखाई दे, आप दिखाई दे। ये मुझे मिला था 50 रुपए का स्टेशन पे से। अच्छा है ना गाइस, ये आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे अभी मैगी खा रहे हैं। जा मैगी खा तू, जा। तो अभी देखते आगे चल के भाई कुछ करना है, बाहर जाना है। किधर जाएंगे? तो अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं, प्लान करके बताते हैं कि कुछ है या नहीं, या फिर ब्लॉग यहाँ पे एंड होगा या नहीं।